आज 30 सितंबर 2020 हमारा देश भारत फिर से शमशार हुआ है, फिर से शर्म फील कर रहा है, फिर से एक और निर्भया पैदा हुई है हमारे देश के अंदर। आज मनीषा वाल्मीकि, हाथरस यूपी की रहने वाली, 12 सितंबर को अपने घर के पास जो उनका खेत है वहाँ पे कुछ काम कर रही थी, वहाँ पे चार लड़के आए, उसको घसीट के ले गए उसको उसके दुपट्टे से और उसका रेप किया। चारों लड़कों ने रेप किया, उसको रेप किया, उसके हड्डियों को तोड़ा, उसकी जबान काट दी। उसकी जबान इसलिए काट दी जिससे कि वो किसी को बता ना पाए, लेकिन उसके बावजूद दरिंदगी उनकी कंप्लीट नहीं हुई तो उसकी हड्डी को तोड़ दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और उसको अधमरा छोड़ दिया ये सोच के कि लड़की मर जाएगी। किसी तरीके से लड़की लड़ी, जिंदगी से, जिंदगी के लिए लड़ी, मौत से लड़ी और एक उसको उसकी फैमिली अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा दिया। यूपी में अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, लेकिन वहां पे उसको अच्छा इलाज नहीं मिल पाया जिससे कि उसकी सेहत जल्दी से ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और कल वो हार गई, वो मौत से हार गई और उसको मौत अपनानी पड़ी। एक और निर्भया, मैं बार बार निर्भया कहकर इसको ज्वाइंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोच हम सबकी सोच दर्शाती है, हम सबको बार बार सोचने पे मजबूर कर देती है। कैसा होता क्या है, क्यों रेप होते हैं, क्यों ये जो लड़के हैं यंग एज लड़के, कुछ लड़के तो 18 साल से नीचे के होते हैं और कुछ लोग जो रेप करते हैं, क्या है मतलब ये सोच क्या है। उस लड़की को मार दिया। 16 सितंबर को उस लड़की के जो फैमिली के लोग हैं, उसकी भाई हैं, उसके फादर हैं, वो पुलिस में गए, पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने ये नहीं माना कि वो बलात्कार हुआ है। पुलिस ने बोला कि वो उसकी जांच करेंगे, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा, मीडिया पे लोग इसके ऊपर होने लगे, ट्विटर के ऊपर इसके बारे में बात होने लगी, तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं पे उनको अब जवाब देना पड़ेगा, तो पुलिस ने एक रिपोर्ट और एक कंप्लेंट लिखी। साथ ही साथ में पुलिस ने एक बहुत ही हैरान करने वाला काम किया। आज सुबह 2:30 बजे उस डेड बॉडी को लिया और उसको जला दिया। उसकी फैमिली को नहीं पता, लड़की की फैमिली को नहीं पता, लड़की के फादर को नहीं पता, लड़की के भाई को नहीं पता, लड़की की मदर को नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी फैमिली, उसकी बॉडी को जला दिया। मैं पूछना चाहूंगा पुलिस वालों से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आप क्या छुपाना चाह रहे हो। वो तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इसके अंदर योगी आदित्यनाथ को फोन किया, जो कि यूपी के सीएम है, और उनको बोला कि उनको उस फैमिली को न्याय मिलना चाहिए, उस फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उन्होंने बोला और उन्होंने बताया भी इस चीज के बारे में कि पीएम ने मुझे फोन किया है और पीएम ने अपनी चिंता व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आते के साथ इसका एक्शन लिया और एक एसआईटी का गठन कर दिया जिससे कि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक पे हो जाए। लेकिन क्या वो लड़की वापिस आ जाएगी, या वो जो फैमिली है उसको वापिस कभी उसकी लड़की मिल पाएगी, क्या मनीषा वाल्मीकि वापिस आ जाएगी, मेरा ये प्रश्न है आप सबसे। क्यों होती है निर्भया बार बार, क्यों होती है मनीषा वाल्मीकि बार बार? ये तो वो केसेस हैं जो बाहर आ जाते हैं, ना जाने कितने अनगिनत केसेस हैं गांव में लोगों के वहां पे जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। सोचने वाली बात। अभी संडे को डॉटर्स डे गया है, मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे लोगों के जहां पे उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में लिखा था कि बेटी बड़े भाग्य से मिलती है। अभी एक वीडियो शेयर करूंगा, शायद आपको वो 20 सेकंड की जो वीडियो है वो आपको कुछ समझा जाए। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा और मैं सभी पुलिस वालों से प्रार्थना करना चाहूंगा, यूपी की पुलिस वालों से प्रार्थना करना चाहूंगा, यूपी की न्याय जो प्रणाली है उससे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्लीज उस फैमिली को जस्टिस दीजिए, उस फैमिली को जस्टिस दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक जस्टिस ही दे सकते हैं, आप इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते, आप उनकी लड़की को वापस नहीं दे सकते। मैं यूपी के सीएम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलवाइए उस फैमिली को। थैंक यू।